दोस्तों, जैसे कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लाए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक एक्सरसाइज। और उससे पहले मैं यदि आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोग यदि एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं नवम्बर में विद एनालिसिस में। और ये जो मॉक टेस्ट होगा फ्री है और वो 5 नवम्बर को होगा। और इसमें आप एक टेस्ट के साथ साथ 3 चीज़ें कवर करेंगे। और यहाँ पर आप क्या देखेंगे, एसएससी स्टेनोग्राफर फ्री मॉक टेस्ट 3 बजे किया जाएगा दिन में, ठीक है, 5 तारीख को। और एनालिसिस होगा जो इंग्लिश का, वो संभवी पांडे जी करेंगे शाम को 4 बजे। और एनालिसिस ऑफ जीके एंड साइंस का जो होगा ये गौरव कुमार सिंह करेंगे शाम को 7 बजे। और एनालिसिस रीजनिंग का सुमित गोयल करेंगे रात में 9 बजे, ठीक है। तो यदि आप इस फ्री मॉक टेस्ट को करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के इनरोल कर लें। आप जाकर के वहाँ पर इनरोल कर लें और आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम आपके लिए एक्सरसाइज लाए हैं, यह है आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम सिंटैक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो आज हम इसकी स्टडी करेंगे और यहाँ पर हम रूल के साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी कराएंगे। तो क्लास को इसकी बिल्कुल नहीं करना और पूरा एंड तक क्लास को देखना। तो सबसे पहला सेंटेंस है, यह है आपका व्हाट वी नीड मोस्ट डैश बोथ्स। तो यहाँ पर आपको यूज करना इज और आर। यहाँ पर आज हमने केवल 2 ही आपको फिल करने के लिए ऑप्शन रखे हैं, तो बहुत ही सिंपल होगा आज आपके लिए ये एक्सरसाइज। कि व्हाट वी नीड मोस्ट, यानी हमें जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो क्या है, किताबें। तो यहाँ पर आप क्या लगाएं, आप किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो देखो ये जो पूरा सेंटेंस आप है आपका क्या है, सब्जेक्ट है इस समय। अब हमें यहाँ पर यूज करना है वर्ब। तो सब्जेक्ट में आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये क्लॉज लिखा हुआ है। क्या है क्लॉज, और कौन सा क्लॉज है, ये आपका नाउन क्लॉज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब भी हम क्लॉज के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं तो सिंगुलर यूज करेंगे। और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका इज। तो यहाँ पर आपको इज यूज करना। नेक्स्ट इज आपका सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में है ईच चाइल्ड डैश एन आइसक्रीम। ये और यहाँ पर आपको यूज करना हैज एंड है। जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो रूल हम आपको बता दें कि जब भी आपके सब्जेक्ट, यहाँ पर फोकस आपको केवल सब्जेक्ट पर करना है, सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करना है। तो रूल क्या कहता है कि जब भी आपके सब्जेक्ट में ईच एवरी वर्ड लगे हो तो ईच एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। और यहाँ पर जो वर्ब यूज होती है वो भी आपकी सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर कि आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, हैज का प्रयोग करना है। कमेंट सभी लोग करते हैं, कमेंट सभी लोगों को करना है। साथ ही साथ क्लास को शेयर भी जरूर कर दें, क्लास को शेयर भी कर दें। चलिए, तो ये डबल रिपीट हो गया क्वेश्चन आपका सीरियल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या है 2+2-4। आपको बताना है यहाँ पर हम क्या यूज करें, एज या आर में से। तो देखो यहाँ पर जो आपका ये इडियोमेटिक फ्रेज की तरह यूज किया जाता है, और यहाँ पर आपका सिंगुलर वर्ब यूज करना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। और आपको कई सारी किताबों में आर का यूज ही मिल जाएगा। तो वो आर का यूज ब्रिटिश और अमेरिकन के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। मोस्टली हमारा ये एग्जाम होता है ब्रिटिश इंग्लिश बेस्ड होता है, इसलिए यहाँ पर आपको इच का प्रयोग करना है जो आपका राइट होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 2+2=4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अ चाइल्ड डैश स्वीट, आपको बताना है लाइक या लाइक्स में से क्या यूज करें। तो सिंपल सा सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी ये भी कैसी यूज होगी, सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर आपको एस या ईएस वर्ब में यूज करना होगा। तो हो जाएगा आपका राइट आंसर अ चाइल्ड लाइक्स स्वीट, यानी कि आपको यहाँ पर लाइक का प्रयोग करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में है क्राउच डैश अस मिल्क। यहाँ भी आपको गिव या गिव्स में से फिल करना है। तो क्राउच क्या है, आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर आपकी जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपका यहाँ पर गिव। कमेंट जरूर कर दी, साथ ही साथ क्लास को शेयर भी कर दें, अच्छी लगे तो लाइक करें। जो स्टूडेंट पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, द राइटिंग ऑफ द लेटर डैश ओवर।
ठीक है। और यहाँ पर आपको बताना है एज या आर में से आपको क्या यूज करना है। तो यहाँ पर रूल क्या बनता है कि जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन ऑफ से जुड़े हों तो उसके साथ जो वर्ब आती है वो पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर क्या है आपका राइटिंग, ठीक है, प्रेजेंट पार्ट या आपका जीरेंड है, जीरेंड आपका क्या है सॉरी हाँ जीरेंड है और जीरेंड आपके नाउन होते हैं तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। राइट आंसर होगा आपका एज, एज का प्रयोग किया जाएगा सिंगुलर वर्ब यूज होगी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके ये सीरियल क्यों चेंज हो रहा है अभी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देयर डैश बस स्टॉप एट 10 PM। आपको बताना इज और आर में से क्या प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, अरे यस, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या यूज किया जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में जो वर्ब यूज की जाएगी ये आपकी यूज की जाएगी किसके अकॉर्डिंग, देयर के अकॉर्डिंग नहीं करना है। ये आपका जो देयर यूज हो रहा है ये क्या है आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, क्या है आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंग्लिश में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट दो होते हैं, देयर एंड इट, ठीक है। तो यहाँ पर देयर के बाद जो नाउन लिखा हुआ है, यहाँ पर ए लगाना है, यहाँ पर जो देयर के बाद जो नाउन लिखा हुआ है वो देखना है, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, या यदि यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 में इच, इच का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि अब बस आपका यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 8 और सेंटेंस नंबर 8 में है आपका देयर डैश 10 गर्ल्स इन दिस क्लास। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है आपका देयर, देयर के अकॉर्डिंग वर्ब यूज नहीं की जाती, वर्ब की जाती उसके बाद लिखे हुए नाउन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 10 गर्ल्स क्या है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आपका यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा जो कि राइट आंसर होगा आपका आर, देयर आर 10 गर्ल्स इन दिस क्लास, ये होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 9, सेंटेंस नंबर 9 में क्या है, द पीपल ऑफ द विलेज डैश हार्ड वर्किंग, यानी गाँव के लोग हैं वो कैसे हार्ड वर्किंग। अब रूल देख लेते हैं, रूल ये है कि जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन आपके ऑफ प्रपोजिशन से जुड़े हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे नाउन या प्रोनाउन। अब पीपल क्या है आपका, पीपल है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आपका यहाँ पर कैसी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर आर। क्लास को कमेंट करके जरूर बताना कैसी लग रही है और साथ ही साथ आंसर आप लोग भी कमेंट जरूर करते जाए यहाँ पर। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 10, सेंटेंस नंबर 10 में बोथ ऑफ देम डैश गुड, और यहाँ पर आपको यूज करना है इज और आर में से, क्या होगा यहाँ भी आपके दो नाउन या प्रोनाउन किससे जुड़े हैं ऑफ से। अब बोथ का मतलब क्या होता है, बोथ का मतलब होता है टू, तो मोर देन वन है, एक से ज्यादा हो गया तो प्लूरल हो गया, तो आपको यहाँ पर क्या यूज करना है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, तो बोथ ऑफ देम आर गुड, ये होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 में। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि मोस्ट ऑफ द बॉयज डैश गॉन होम, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना हैज या हैव में से हम क्या यूज करें, तो देखो आपको रूल बताया कि मोस्ट ऑफ के बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो इसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, यदि मोस्ट ऑफ के बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन आता है तो आपकी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आएगा ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका बॉयज क्या है प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आपको यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, तो राइट आंसर होगा कि मोस्ट ऑफ द बॉयज हैव गॉन होम, ये होगा राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर आप टू का यूज नहीं करना, गॉन टू होम नहीं लिखना क्योंकि होम यहाँ पर आपका एडवर्ब है नाउन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 में वन ऑफ माय फ्रेंड्स डैश अ कार, इज और आर में से फिल करना। रूल को समझो, यहाँ भी आपके दो नाउन किससे जुड़े हुए हैं, ऑफ से जुड़े हुए नाउन प्रोनाउन, वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे आप पहले वाले नाउन, तो वन आपका क्या है सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लग रहा है। यहाँ पर ये पॉइंट भी याद रहना है, वन ऑफ के बाद जो भी नाउन होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा वो आपका प्लूरल लिखा जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपको सिंगुलर नहीं लिखना है, तो राइट आंसर क्या हो रहा है आपका यहाँ कि आपको यहाँ पर इच का प्रयोग करना है क्वेश्चन नंबर 12 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, व्हाट डैश द लेटेस्ट न्यूज, आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा इज और आर में से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो वर्ब यूज होगी वो न्यूज के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन न्यूज आपका प्लूरल नहीं है, ठीक है, न्यूज आपका प्लूरल नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो वर्ब यूज की जाती है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है,
तो यहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब का यूज करें, यानी कि आपको यूज करना होगा इज, ये सेंटेंस तो राइट हो जाएगा। अब ये क्या है भाई, सीरियल क्यों चेंज हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, ये सीरियल, यस आर्या, यस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है हाफ ऑफ द मैंगो डैश रॉटन, आपको बताना यहाँ पर इज और आर में से क्या यूज किया जाएगा राइट आंसर। तो अभी मैं अभी आप यहाँ पर रूल समझ लो कि हाफ ऑफ के बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब यूज होगी, हाफ ऑफ के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, हाफ ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लिखा हुआ है मैंगोज, मैंगोज प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज हो रहा है, यानी कि आर का प्रयोग किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक डैश बाय द मेन रोड, यहाँ पर देखो अभी मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ के बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी, यदि मोस्ट ऑफ के बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो आपकी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। अब गो एंड गोज में से आएगा, यहाँ पर आपका गोज का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर में आएगा ट्रैफिक, यस अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका यस 16 है, ये क्या हो रहा है, सीरियल क्यों चेंज हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं, यस क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, अ नंबर ऑफ बॉयज डैश देयर, यहाँ पर आपको इज और आर में से प्रयोग करना है। तो यहाँ पर रूल समझे, यदि आपके सब्जेक्ट में अ नंबर ऑफ के बाद आपका हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है तो यहाँ पर आपकी प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन रूल ये भी याद रखें कि द नंबर ऑफ के बाद आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर यूज होती है, ये याद रखना ठीक है। तो यहाँ पर अ नंबर ऑफ के साथ आपको कौन सी वर्ब लगाना है, प्लूरल वर्ब आएगी जो होगी आपकी आर, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, अ नंबर ऑफ बॉयज आर देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर आपका 17, और सेंटेंस नंबर 17 में क्या है, मोर देन 60 बॉयज हैज पास्ड दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा, तो मोर देन के बाद क्या है 60 बॉयज, यानी 60 लड़कों से ज्यादा ने ये एग्जाम पास किया है, तो ये तो प्लूरल ही रहेगा आपका, तो यहाँ पर आपको कौन सी वर्ब यूज करना है, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, राइट आंसर होगा कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में हैव का यूज करना है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 18, और सेंटेंस नंबर 18 में ऑल दैट ग्लिटर्ड हैज नॉट गोल्ड, इज और आर में से यूज करना है। सबसे पहले तो ये आपकी क्या है, प्रोवर्ब है, क्या है ये आपकी प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब मतलब होता है कहावत, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, इज, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ये हो रहा है यहाँ पर राइट आंसर, आपको इज का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 19, सेंटेंस नंबर 19 में क्या है, ऑल डैश मोर्टल, और इज और आर में से यूज करना, मोर्टल कौन होते हैं, पीपल, मनुष्यों की बात हो रही है जो कि काउंटेबल होंगे, तो ऑल का यूज यहाँ पर किससे है, सेंस क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा और आपका यहाँ पर यूज होगा आर। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 20, सेंटेंस नंबर 20 में क्या है, गुलिवर्स ट्रेवल डैश अ फेमस सिटायर, ये क्या है, बुक का नाम है, सिटायर है व्यंग्य है, और बुक का नाम है, यहाँ पर ये प्लूरल नहीं, इस बात को याद रखना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है ये हो रहा है आपका इज, गुलिवर्स ट्रेवल इज अ फेमस सिटायर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ओके ये चेंज हो जाता है बार बार, यस। क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है आपका, 21 में द बुक दैट यू गेव मी डैश चीप, यानी किताब जो तुमने मुझे दी वो कैसी थी, चीप थी। तो यहाँ पर आप इज नहीं, वाच एंड वर में से यूज करेंगे, यस वाच एंड वर में से प्रयोग करना है, द बुक दैट यू गेव मी डैश चीप, क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका क्लॉज लिखा हुआ है, और ये क्लॉज कौन सा है आपका, रिलेटिव क्लॉज लिखा हुआ है ना, एडजेक्टिव क्लॉज है, यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर यूज करना है, जो बुक ये है और उसका प्रेडिकेट है ये चीप, तो यहाँ पर आपकी वर्ब आएगी, आएगी वाच, द बुक दैट यू गेव मी वाच चीप। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 22, सेंटेंस नंबर 22 में अ लॉट ऑफ फूड डैश लाइन देयर, इज और आर में से यूज करना है। तो रूल को समझो, यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट में अ लॉट ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा,
यदि अलॉट ऑफ के बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा तो आपका सिंगुलर वर्ब का यूज होगा यहाँ पर। तो अलॉट ऑफ के बाद पुट किया है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर एज। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 23। सेंटेंस नंबर 23 में है आपका द पुलिस टेस्ट अरेस्टेड द थीफ। आपको बताना है जो और हैव में से क्या यूज किया जाता है। तो पुलिस आपका कैसा नाउन है, प्लूरल प्लूरल नाउन होता है आपका, और प्लूरल नाउन है तो आपका सिंगुलर नहीं होता। हाँ यदि ऐसे लिखते पुलिस मैन, पुलिस मैन तो ये आपका सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन यदि ओनली पुलिस लिखा होगा तो ये आपका प्लूरल होगा और आप यहाँ पर आपका प्लूरल वर्ब यूज होगा, यानी कि हैव का प्रयोग करना होगा क्वेश्चन नंबर 23 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 24। और सेंटेंस नंबर 24 में है, यस सेंटेंस नंबर 24 में है आपका 20 rupees टेस नॉट अ बिग सम। आपको बताना है यहाँ पर सेंटेंस में क्या यूज किया जाएगा इज और आर में से, ठीक है जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर देखो 20 rupees आपका दिखने में प्लूरल है लेकिन ए एच नहीं है, ए है। तो यहाँ पर जो आपका प्रेडिकेट है ये सिंगुलर लिखा हुआ है, अब बिग सम लिखा हुआ है ना, ये सिंगुलर प्रेडिकेट है तो आपका रुपीज भी कैसा है, सिंगुलर है। और आपको यहाँ पर यूज कर क्योंकि ये यूनिट की तरह यूज किया जाता है, यूनिट सिंगुलर बन जाती है। तो 20 rupees इज नॉट अ बिग सम, यू द राइट आंसर, यानी यहाँ पर आपको यूज करना है एच। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 25 के लॉट्स ऑफ पीपल डैश स्टिल कमिंग। और यहाँ पर इज और आर में से बताना। तो अभी मैंने आपको बताया जब भी कोई किसी नाउन सॉरी किसी सब कोई भी सब्जेक्ट आपका लॉट्स ऑफ के बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, लॉट्स ऑफ के बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो आपका सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है। वैसे तो अलॉट आपको मिलेगा, लॉट्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, पीपल आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आपको यहाँ पर यूज करना है आर, ये होगा राइट आंसर, यानी कि आपको यहाँ पर आर का प्रयोग करना है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, क्लास पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हैं वो हमारे लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।